नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ में बने 3 मंजिला अवैध मकान पर चला बाबा का बुलडोजर। एलडीए ने 3 मंजिला आलीशान इमारत को किया ध्वस्त। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने केंद्र व्यवस्थापकों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। कहा, नकल कराते वक्त पकड़े जाने पर केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। एंटी रोमियो की टीम एक बार फिर जिले में हुई एक्टिव। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पहुंचकर महिलाओं को परेशान करने वाले शोहदों को सिखा रही है सबक। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में हुआ मां ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा व पाठ। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने किया मां ब्रह्मचारिणी की आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महिला थाने पर स्थित परिवार परामर्श केंद्र का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं से संबंधित मामलों का परिवार परामर्श केंद्र पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर काउंसलिंग करके किया जाएगा समाधान। आईएमए के तत्वावधान में पुलिस लाइन के सभागार में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शिविर में पहुंचकर कराया निःशुल्क जांच। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर किए मां के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई की जद में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का अवैध रूप से लखनऊ के चिनहट के सतरिख रोड स्थित देवराजी विहार में बने 3 मंजिला आलीशान घर पर चला, जिसको एलडीए द्वारा ढाया गया। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना के तत्कालिक इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला इमारत एलडीए द्वारा गिराया गया। गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 लोग नामजद हुए थे। अभी भी 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हैं। एलडीए से बगैर नक्शा पास कराए इस आलीशान मकान को बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुटा है। आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहाने की कार्रवाई एलडीए प्रशासन की तरफ से किया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 27 सितंबर 2021 की रात कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वे अपने अन्य साथियों के साथ गोरखपुर के दोस्तों से मिलने के लिए आए थे। मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गंभीर रूप से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच एसआईटी कानपुर में पहले किया था, जिसकी बाद में सीबीआई के जिम्मे मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच को राज्य सरकार ने सौंप दिया था। हाल ही में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हत्यारोपी पुलिसकर्मियों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सभी 6 पुलिसकर्मियों को सड़क मार्ग से तिहाड़ जेल ले जाया गया था। इसी मामले में सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई की और रविवार को कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का अवैध रूप से लखनऊ में बने 3 मंजिला आलीशान घर को एलडीए ने जमींदोज कर दिया। यह सीएम योगी का अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। Thank you.
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सोमवार को बोर्ड परीक्षा के सुबह व दोपहर की पाली में ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, जिसको देखते हुए केंद्र व्यवस्थापक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई है। उनको शासन के द्वारा बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को सुगम व्यवस्था के साथ शिक्षा विभाग की टीम ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी केंद्र पर नकल ना होने पाए। अगर किसी केंद्र पर नकल करते कोई भी परीक्षार्थी पाया जाता है तो उस परीक्षार्थी व केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ADMCT विनीत कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित केंद्र व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, व्यवस्थापक में से कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो उस चाबी का इस्तेमाल करके आप खोल सकते हैं, वो व्यवस्था पूर्वक रहेगी। अभी केवल नई चीज ये ऐड हुई है कि जिस, ये तो अलमारी की चाबी की बात है, जिस कमरे में आप पेपर रख रहे हैं उस कमरे के बाहर का जो ताला लगेगा उसमें भी तीन चाबी है, तीनों दे दिया जा रहा है। अरे भाई तीन, हाँ आप तीनों दे दीजिए, उसमें फिर आप अपने पास मत रखिए, वो तो मैं बता दिया आपको, बार बार निर्देश आप सुनते नहीं ध्यान से, इसका मतलब यही कहा गया, वो चाबी आपके पास नहीं रहनी है, ना केंद्र व्यवस्थापक के पास ना बाहर केंद्र व्यवस्थापक के पास। अब ये तीन चाबी सारा उसको दीजिए, मैंने ये भी बताया कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो ताला तोड़ने के लिए मैंने कहा। क्लियर हो गया? हम लोग केंद्र व्यवस्थापक काम करते हैं, अगर हम लोग अविश्वसनीय हो गए, अगर हम लोग अविश्वसनीय हो गए, नहीं विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीयता का सवाल नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसका हमारे होना है, नहीं नहीं आप वहाँ पे हैं, जो जो अधिकार पहले वहाँ पे वो अधिकार आपके पास है, तो आप अति केंद्र व्यवस्थापक है, आपके द्वारा ही सारा काम होना है। उनके समय में मैं आप बताऊंगा इसका इसी पृष्ठभूमि और जो इसका बड़ा चित्र है वो आपको समझना पड़ेगा। ये पूरी कला के ये कहेगा कि यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण तो उनको लगना चाहिए उस राज्य के या उस क्षेत्र के उस कंपनी के जहां वो इसका अवलोकन कर रहे हैं, प्रमाणीकरण पे जा रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा बोर्ड, ये तो सर्वश्रेष्ठ बोर्ड है, उत्कृष्ट बोर्ड है। तो पहले जब अमृत निकलने के पहले मंथन होता है और उसी के कवायद में मैं और आप लगे हैं, शासन का की मंशा के अनुरूप लगे हैं, इसमें हम सब एक सिर्फ मोहरे हैं, हम सब योद्धा हैं, हम सब एक दायित्व के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जैसे कुछ जनपदों में कुछ लोगों के कारनामे के कारण वो जनपद बदनाम हुआ है, गोरखपुर में हम एक टीम, एक भावना, एक मंशा, एक सत्यनिष्ठा के साथ चलेंगे और टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे हम लोग ये परीक्षा संपन्न करने में लगे। इम्पोर्टेंट है बच्चों का भविष्य, इम्पोर्टेंट है ये पीढ़ी का आगे का जो भविष्य वो इम्पोर्टेंट है, और ये सिस्टम में आगे इसी तरह हम कटबद्ध होके सख्ती से अभी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में, क्योंकि कल सुबह की पाली में और शाम की पाली में, दोपहर के पाली में बड़ी परीक्षाएं हैं, ज़्यादा उपस्थिति बच्चों की होगी, तो उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए केंद्र व्यवस्थापकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई, उनको शासन से प्राप्त निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया, उनके जितनी भी जिज्ञासा हैं उसको दूर की गई। कल सुगम व्यवस्था के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी प्रशासन की टीम और शिक्षा विभाग की टीम इसको संपन्न कराएगी। एंटी रोमियो टीम फिर एक बार जिले में लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है, जिसको देखते हुए गोरखपुर में भी 1 अप्रैल को एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया और 2 अप्रैल से महिला सुरक्षा हेतु टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इसमें महिला कांस्टेबल व पुरुष कांस्टेबल की टीम हर थाने में बनाई गई है और वाहन उपलब्ध करवाया गया है, जिसका उद्देश्य जिले में घूमकर ऐसे स्थान जहां पर महिलाओं को कोई वक्त या कोई व्यक्ति परेशान करता है या किसी महिला को मदद की आवश्यकता हो उसको उपलब्ध करवाएगी और ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा प्रतिदिन टीम मंदिर, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान जहां पर महिलाओं का आवागमन ज्यादा होता है वहां पर सादे वस्त्रों में कैमरे के साथ में टीम जाती है और ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करती है और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा जी इसमें महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किया गया है। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में भी 1 तारीख को इसका गठन किया गया और 2 तारीख से महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल ने अपनी कार्यवाही शुरू की। इसमें इनको महिला कांस्टेबल्स व पुरुष कांस्टेबल्स की टीम प्रत्येक थाने में बनाई गई है, जनपद स्तर पर बनाई गई है और उन्हें वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। उद्देश्य यह है कि यह टीमें पूरे जनपद में घूम घूम कर ऐसे स्थान जहां पर महिलाओं को कोई युवक कोई व्यक्ति परेशान करते हैं या किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो वो उपलब्ध करवाएं और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए, यह उद्देश्य है। और प्रतिदिन मंदिर, मॉल, स्कूल, कॉलेजेस या सार्वजनिक स्थान जहां पर महिलाओं का आवागमन होता है वहां पर सादे वस्त्रों में कैमरे के साथ में ये टीम जाती है और ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करती है, उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाती है जो कि असामाजिक तत्व तो महिलाओं को परेशान करते हैं या बालिकाओं का उत्पीड़न करते हैं। वासंतिक चैत्र नवरात्र के द्वितीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर स्थित माँ दुर्गा गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा किया। सायंकाल में गणेश पूजन और भगवती पूजन, पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। आरती तथा पूजन डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, नित्यानंद तिवारी, शशांक पांडे, विशाल पांडे, मोनू पाठक, रूपेश मिश्रा ने कराया। इस अवसर पर विनय गौतम, अजय सिंह, डॉक्टर गौरी शंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व आज प्रातःकाल बेला में माता ब्रह्मचारिणी का पाठ एवं आरती भी किया गया, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ में बने 3 मंजिला अवैध मकान पर चला बाबा का बुलडोजर। LDA ने 3 मंजिला आलीशान इमारत को किया ध्वस्त।
नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने केंद्र व्यवस्थापकों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। कहा, नकल कराते वक्त पकड़े जाने पर केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। एंटी रोमियो की टीम एक बार फिर जिले में हुई एक्टिव। भीड़भाड़ वाले जगहों पर पहुंचकर महिलाओं को परेशान करने वाले शोहदों को सिखा रही है सबक। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में हुआ मां ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा व पाठ। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने किया मां ब्रह्मचारिणी की आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महिला थाने पर स्थित परिवार परामर्श केंद्र का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं से संबंधित मामलों का परिवार परामर्श केंद्र पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर काउंसलिंग करके किया जाएगा समाधान। आईएमए के तत्वावधान में पुलिस लाइन के सभागार में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शिविर में पहुंचकर कराया निःशुल्क जांच। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर किए मां के दर्शन। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044664300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने महिला थाना पर स्थित परिवार परामर्श केंद्र का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत शासन के निर्देश अनुसार परिवार परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ डीआईजी जे रविंद्र गौड़ के द्वारा किया गया तथा इस परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से व जनता के सम्मानित लोगों की तरफ से मध्यस्थता आयोजित की जाएगी, जिसमें परिवार के विवाद, पत्नी के विवाद,
माता पिता की विवाद, बच्चों का माता पिता में विवाद, ऐसे मामलों का निस्तारण बातचीत के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विभागों के जरिए आर्थिक मदद, मेडिकल मदद, व्यावसायिक मदद या कोई मादक पदार्थों का सेवन करता हो तो छुड़वाने की मदद हो, ऐसी सारी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य उनसे संबंधित पारिवारिक मामलों का पूर्ण रूप से निस्तारण कराना है और यह मदद कानूनी कार्रवाई के बिना बातचीत के जरिए किया जाएगा, जिससे कि महिलाएं खुलकर सामने आएं और अपनी समस्याएं बताएं। उनकी समस्याओं का बातचीत के जरिए निस्तारण किया जाएगा, जिससे कि यहां पर किए गए समस्याओं के निस्तारण को परिवार भी लंबे समय तक याद रखे और परिवार में जुटता बनी रहे। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि परिवार में बिखराव आ रहा है, यह परामर्श केंद्र उन परिवारों को जोड़ने का काम करेगा, जिसके लिए 11 अलग अलग काउंसलर व पुलिस विभाग की टीम को तैनात किया गया है, जो कि अनुभवी भी है। यह लोग आपस में मिलजुल कर समस्याओं का परिवार के साथ बातचीत कर निस्तारण करेंगे। इस अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SP सिटी सोनम कुमार, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, ASP CO बासगांव राहुल भाटी, एंटी डोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन DIG संकेत कमलों द्वारा होना है। ये अलग से परामर्श केंद्र स्थापित हुआ है, जो हमारे काउंसलिंग के चलेंगे सर, टेबल भी इधर चलेगा सर, कुछ वाले में प्रभारी रहेंगे, एक टेबल रहेगा सर और एक कंप्यूटर सर, शिफ्ट करेंगे सर, महिला का ऐसा ही वहाँ करेंगे सारी काउंसलिंग सर, जितने इनके पास प्रार्थना पत्र आएंगे वो सारा प्रार्थना पत्र थाना वाइज रजिस्टर में भी दर्ज होगा सर, काउंसलर किस काउंसलर के पास होगा सर, फिर एक इंडिविजुअल फाइल और दूसरा ये कि किसी भी थाने किसी अधिकारी और रजिस्टर्ड ऑफिसर जो भी स्टैंप है वो सब यहाँ रेफर कर लेकिन इस महिला के लिए संकट है तो अगर वो उनके सपोर्ट मिलते हैं जैसे सुखी करें घर लेंगे क्या सरकारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, लीगल सपोर्ट है, रेशन ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, सपोर्ट है, बहुत सारे कई महिलाएं बिफर जाती है कहाँ जाए जो जलाहट होती है सर, टीम टू पॉइंट जब हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमें वो मैंने बता दिया है नो नहीं ओके, कोई ये नहीं किया कुछ ये नहीं किया या पार कर दिया आप किधर आओगे हां आप बैठ सर, फोल्डर वगैरह बनाना आता है ना आपको, तो कंप्यूटर ऑपरेटर है आप, नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं सर, लेकिन आता है जानकारी काम जानकारी
इसका एक वो डोनेट कर पाएगा जिसमें रेफर बाई कितने दिए हैं फाइनली परिणाम लिखा हुआ एफ आई आर या हम कागज नहीं कर सकते ना कहीं कागज में सारा लिखा रहता है कागज में तो लिखा रहना चाहिए फाइल तो है ना फाइल उनका भी ठीक है जी ओके चलिए अब मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का धोखे देकर के गोरखपुर पुलिस परिवार की ओर से स्वागत करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इस काउंसलर्स की टीम में काफ़ी लोग सब पुराने लोग हैं जो बीच में ये परामर्श के इन्फॉर्म होने के नाते तो गठन करने में कुल 11 लोगों का नाम एक तरह से सर ये आपके परामर्श के टीम एलिवेट थे तो मैं सर का स्वागत कर रहे थे और काउंसलर्स की ओर से सम्मान प्रकट करें सब कुछ क्रियान्वित करने कराया है और यहाँ सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट ऐसे में हमने साइकोलॉजी की थी हिरासत में लॉ किया था आप ही के फादर इन लॉ हमारे प्रोफेसर ये जो 11 लोग सर इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नामित किए गए हैं सर उसमें शिक्षा विभाग से लोग महिला मेंबर नहीं आई हैं किन्हीं कारणों से वो आज उपस्थित नहीं हो पाई है जबकि इनसे बात हुई थी और सबने बताया था कि हम आ जाएंगे कल 5 बजे तक मैं जो 9 हमारे काउंसलर्स उपस्थित हो गए हैं मैं सर उनका परिचय करा दूं प्रोफेसर आनंद कुमार जायसवाल आप हैं सर और लोग भी देख ले सबको प्रोफेसर आनंद कुमार जायसवाल ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं डॉक्टर विकास रंजन मणि त्रिपाठी एक माननीय सदस्य साजिया मैम भी जो पेशे से टीचर हैं प्रधानाचार्य हैं वो हमारे बीच आदरणीय DIG सर को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं चाहूंगा क्या हमारी कोई महिला पुलिसकर्मी अपनी ओर से आज ये बहुत अच्छा मौका है जहां मिशन शक्ति की शुरुआत में ही हमने परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया है क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और यदि महिलाओं को कोई समस्या आती है तो उसमें परिवार से समस्या आती है और परिवार की समस्या महिलाओं को भी प्रभावित करती है यह एक केंद्र ऐसा केंद्र है जैसा केंद्र कहा गया है तो ये परिवार संबंधित सभी समस्याओं का केंद्र रहेगा इसमें आदरणीय DIG महोदय की प्रेरणा से हमने ये स्थापित किया है और सर की इच्छा थी कि ऐसा एक केंद्र बने जहाँ पर कि पारिवारिक संबंधित जो मामले हैं उनसे बातचीत के जरिए हल करवाया जाए क्योंकि देखने में आया है कई बार कानून मुकदमेबाजी या कोर्ट के चक्कर पड़ने से मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाता है पारिवारिक मामले बड़े नाजुक मामले होते हैं ये दिलों के भावनाओं के मामले होते हैं इसमें कानून की जो लिखी बातें हैं वो ज़्यादा उसका समाधान कर नहीं पाती तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा जो हमारे आदरणीय काउंसलर्स हैं जो हमारी यहाँ पुलिस टीम है वो मिलकर जो महिलाएं जो परिवार यहाँ आते हैं उनको बिठाएं समझाएं उनके धीरे धीरे उनकी मन की गांठें जो हैं वो खोलें और फिर वापस गांठ दोनों में रिश्ते की लगाएं जिससे कि वो रिश्ता अटूट बना रहे और इससे अच्छा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता कि हम किसी परिवार को बिखरने से बचाएँ ये बहुत अच्छी पहल होगी और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें कौन आया क्या प्रार्थना पत्र दिया किस काउंसलर को गया वो काउंसलर उसकी काउंसलिंग करें उस केस को फिर वही काउंसलर डील करें वो तय करें कब डेट लगनी है दोबारा कब बुलाना है इसमें और किसी की लीगल मदद चाहिए कोई वोकेशनल मदद चाहिए कोई आर्थिक मदद अगर महिला को दिलवानी हो कोई मेडिकल मदद महिला को दिलवानी हो कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत हो कोई बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा हो बच्चों को कोई ज़रूरत हो तो इसमें अन्य विभाग के अधिकारियों से NGO से हम तालमेल करेंगे और उनके साथ मिलके एक परिवार को एक यूनिट के तौर पर हम इसमें डील करेंगे हम इसमें इनका समाधान करेंगे समस्याओं का क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब परिवार में समस्याएं आती हैं
90% बार महिलाएं होती हैं जो पुलिस के पास अप्रोच करती हैं सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। लेकिन इसको हमने महिला समाधान केंद्र या महिला केंद्र ना देकर नाम परिवार केंद्र दिया है, क्योंकि हमने एक बड़ा दृष्टिकोण रखा है और महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार को जोड़ना है। कहीं कई बार हम देखते हैं कि पुरुषों में शराब की आदत, मादक पदार्थ लेने की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार में बिखराव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो डी एडिक्शन सेंटर हैं उनको भी हम जोड़ेंगे और यहाँ से उनको भी मदद उपलब्ध करवाएंगे। और इसमें हम धीरे धीरे विस्तार करके हमारे काउंसलर्स के साथ साथ अन्य NGO और अन्य एजेंसी वो भी जुड़ेंगे, CWC जुड़ेगा, जिससे कि जो बच्चे हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उनको कैसे मदद की जा सकती है ये भी देखा जाए। तो इसको हमें, जो आप लोगों में से कई काउंसलर्स ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि आप लोगों ने प्रण लिया है कि इसको आप आगे ले जाकर और बड़ा करेंगे और स्थापित करेंगे, तो ये मैं बता दूं आपको, ये हमारे काउंसलर्स की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कितना सफल होगा। क्योंकि परिवार के मामले पुलिस के पास समाधान करने के लीगल तरीके बहुत कम हैं, ये सामाजिक समस्याएं हैं जिनका समाधान सामाजिक रूप से ही हो सकता है। और हम प्रयास करेंगे कि इसमें केवल सामाजिक लोग ही आए, न कि पुलिस या वकील आकर इसमें कोई इसमें लीड लें, बल्कि समाज के जो लोग हैं वो लीड लें, परिवार के लोग लीड लें, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, पड़ोस के, रिश्तेदार, जिम्मेदार, उनको बुलाया जाए, वो बैठकर आपसी बातचीत के जरिए, मध्यस्थता के जरिए ये मामले सुलझाएं और इसको आगे आगे धीरे धीरे हम और बेहतर करें और बढ़िया करें। और जो सेंटर है वो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बनेगा तो ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय होगा कि हमारी मेहनत से हमने जीवन में एक ऐसी चीज स्थापित की जिससे आने वाले कई वर्षों तक समाज को फायदा होगा, हमारी महिलाओं को फायदा होगा, हमारे बच्चों को फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा लीड है और इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करूँगा हमारे DI के साथ। मुरादाबाद का बहुत बार चर्चा हो रहा है, तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ उसी चीज़। उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले कई वर्षों से हम लोग परिवार परामर्श केंद्र का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको चला, हमारे 75 जिले हैं और हर जिले में कुछ न कुछ इसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो पब्लिक के सहयोग से हम परिवारों में जो दरार पड़ते हैं, मनमुटाव होते हैं, गिले शिकवे रहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग एक ऐसे इंडिपेंडेंट प्रयास करते हैं जिसमें समाज में बिना किसी प्रकार के भागा ना हो। और जो जैसे आप लोगों ने कहा कि बच्चों का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसको दूर किया। आज जनपद गोरखपुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत माननीय राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार यह परिवार परामर्श केंद्र शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ आज DIG महोदय के द्वारा किया गया है। इस परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर पुलिस के और जनता के सम्मानित लोगों की तरफ से मध्यस्थता आयोजित की जाएगी, जिसमें कि परिवार के जो विवाद हैं, पति पत्नी के विवाद हैं, माता पिता के विवाद हैं, बच्चों और माता पिता में विवाद हो, इनका निस्तारण बातचीत और मध्यस्थता के जरिए करवाया जाएगा। साथ ही इसमें अन्य विभागों के जरिए हम कोई आर्थिक मदद हो, लीगल मदद हो, मेडिकल मदद हो, कोई व्यावसायिक दक्षता देने की ज़रूरत हो या कहीं कोई मादक पदार्थों का सेवन करता हो उसे छुड़वाने की ज़रूरत हो, तो ये सभी सुविधाएं भी यहाँ सेंटर के जरिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। उद्देश्य यह है कि महिला और उनसे संबंधित पारिवारिक समस्याओं का संपूर्ण निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा और यह कानूनी कार्यवाही के बिना किया जाएगा, मध्यस्थता और बातचीत के जरिए किया जाएगा, जिससे कि महिलाएं खुलकर आगे आएं, अपनी समस्याएं बताएं और उनके समस्या का बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, ताकि यहाँ किए गए समस्याओं के हल को, यहाँ किए गए समाधानों को लंबे समय तक परिवार अपनाए रखें और परिवार में एकजुटता बनी रहे। जो समाज में आज समस्या आ रही है परिवार के बिखराव की, वो समस्याएं रुके और एक अच्छा चेहरा समाज के सामने जाए, पुलिस का भी, और पुलिस के साथ जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठकर मध्यस्थता करेंगे उसके जरिए कम्युनिटी पुलिसिंग का भी एक अच्छा मैसेज जाए, ये इसका प्रयास यहाँ हमारा रहेगा। परिवार परामर्श केंद्र में हमने पुलिस टीम तैनात की है और साथ में काउंसलर्स की एक टीम तैनात की है, जिसमें 11 अलग अलग बैकग्राउंड के काउंसलर्स, महिला और पुरुष, हमने तैनात किए हैं, जो कि स्वयं अच्छे पढ़े लिखे हैं और अलग अलग वर्गों से आते हैं। अनुभव के साथ में ये अपनी अनुभव का प्रयोग करते हुए जो समस्याएं हैं परिवार में चल रही उनको सुनेंगे,
उनका हल बताएंगे और धीरे धीरे मध्यस्थता के जरिए इन समस्याओं का निस्तारण कर परिवार को बिखराव से बचाएंगे। साथ ही महिलाओं की कोई समस्या हो उनको सशक्त करने की जो आवश्यकता हो तो इसके लिए जहां संभव मदद उनको चाहिए वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ये यहां परिवार परामर्श केंद्र गोरखपुर का प्रयास रहेगा। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में आईएमए के तत्वावधान में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी ने शिविर में पहुंचकर निशुल्क जांच करवाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि पुलिस जवानों की सुविधा के लिए आईएमए के द्वारा पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और इस चिकित्सा केंद्र में सभी तरह का परामर्श व हड्डियों की जाँच, खून की जाँच निःशुल्क किया गया। उन्होंने कहा पुलिस के सभी जवानों ने आगे आकर इसका लाभ उठाया, जिसके लिए आईएमए की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही ने कहा देखिए पुलिस लाइन में हम लोग पुलिस वालों के परिवार, रिश्तेदार, नाथित सबके लिए एक निशुल्क सुपर स्पेशलिटी मेगा कैंप लगाया गया है। ऐसा देखा गया कि कोरोना काल से लेकर विधानसभा चुनाव तक या कोई भी छुटपुट चीज़ें हुई हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। गोरखपुर की पुलिस इसमें टॉप पर चल रही है, कोई घटना नहीं हो रही है। इतने बड़े चुनाव में कुछ भी नहीं हुआ, इसको नज़र में ध्यान देते हुए हम इसमें पुलिस लाइन की सुविधा के लिए यहाँ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए इससे इस कैंप में लगभग लगभग हर विधा के डॉक्टर हैं, हर विधा के। अगर मरीज के से जितनी बीमारियाँ हैं, चाहे गुर्दा हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे शुगर हो, चाहे हड्डी के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, सारी स्पेशलिटी है। तो इससे 100% लाभ होगा। अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि उसको भर्ती करना पड़ेगा या कोई ऑपरेशन की चीज़ें पड़ती हैं तो उसको आईएमए अपने अस्पताल में निःशुल्क करेगा। इनको पूरी 100% लाभ देने का हम लोग इसमें योजना बनाए हुए हैं। पुलिस के जवानों के कल्याणार्थ विषम परिस्थिति में जो काम करते हैं उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही साहब स्वयं मौजूद हैं, जो कि सर्जन हैं, शहर के प्रख्यात सर्जन हैं। इसके अलावा डॉक्टर पीसी साई कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर इमरान अख्तर ऑर्थो,
चेस्ट के विशेषज्ञ, आई के विशेषज्ञ, स्किन और एंडोक्राइन के डॉक्टर भी आए हुए हैं जो कि नॉर्मली बहुत कम होते हैं, और पीडिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डी के सिंह आए हुए हैं। इस चिकित्सा कैंप में सभी बेसिक टेस्ट जैसे खून की जांच हुई या हड्डियों की कमजोरी की जांच हुई, शुगर की जांच हुई, ये सारी जांचें जो है निःशुल्क यहाँ कराई जा रही हैं। पुलिस परिवार के सभी जवान और परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। आईएमए के सहयोग के लिए मैं जनपद गोरखपुर पुलिस की तरफ से आईएमए के लिए धन्यवाद देता हूँ। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर पर दर्शनार्थियों की मां के दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी के पुत्र अभिषेक सैनी ने बताया कि नवरात्र में हर साल लोग हजारों की तादाद में प्रतिदिन मंदिर में आकर मां की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर होती है। रविवार को भी सुबह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग यहाँ पर भक्ति भाव से आकर पूजा कर रहे हैं। माँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक मां का चेहरा अलग अलग रूप धारण करता है और अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है, इसलिए लोग 9 दिन व्रत रहकर मां की पूजा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र अभिषेक सैनी ने कहा, अरे वक अला 1 लाख दे ऐसे आ रहे हैं, जो जा रहे हैं। माना जाता है कि अलग अलग दिनों 9 दिनों में अलग अलग देवियां आती हैं। हाँ, अलग आती हैं। आज कौन से देवी का? आज दूसरा नवरात्र है। सब दिन बताया जाता है, बहुत प्राचीन मंदिर है, लोग बहुत। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। हमारा नाम अभिषेक सैन। दूसरा दिन है यहाँ पे, काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, यहाँ पे नवरात्र में हर साल लोग हजारों की तादाद में आते हैं, भीड़ होता है, भीड़ उमड़ता है, और पूजा भक्ति से लोग पूजा करते हैं यहाँ पे, पूजा भाव से। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबों की मनोकामना पूर्ण की जाती है,
माता के द्वारा, और जो भी मनोकामना होती है वो लोग बड़े प्यार से मांगते हैं माता से, माता जी उनको पूरा करते हैं। और यहाँ पे माता जी का वहाँ नीचे पिंडी है जो निकली हुई है वहाँ पे माता जी, और उन्हीं को देख के बड़ा स्वरूप माता जी का बना हुआ है यहाँ पर। और उस स्वरूप को देख कर माता जी का आप ये देखेंगे कि वहाँ पे माता जी का जो चेहरा है वो मतलब हर दिन प्रतिदिन बदलते रहता है घंटों घंटों पर। आप अगर देखें ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। और बाकी जो है लोग आते हैं यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, जैसे आपके पीछे हो रहा है अभी यहाँ पे मन्नत पूरा होने के बाद, ठीक है। ये सारी विशेषता है। आज ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा होती है, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा की जाती है। बता दें लोग मनोकामना पूर्ण होती है 9 दिन व्रत रहने से या पूजा करने से? जी वो तो होती है, फल भी मिलता है। 9 दिन व्रत रहते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं सच्ची आस्था के साथ, उनका जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगद नारायण सिंह के नाम से चर्चित दुर्दांत इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ में बने 3 मंजिला अवैध मकान पर चला बाबा का बुलडोजर। LDA ने 3 मंजिला आलीशान इमारत को किया ध्वस्त। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने केंद्र व्यवस्थापकों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। कहा, नकल कराते वक्त पकड़े जाने पर केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। एंटी रोमियो की टीम एक बार फिर जिले में हुई एक्टिव। भीड़भाड़ वाले जगहों पर पहुंचकर महिलाओं को परेशान करने वाले शोहदों को सिखा रही है सबक। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में हुआ मां ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा व पाठ। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने किया मां ब्रह्मचारिणी की आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महिला थाने पर स्थित परिवार परामर्श केंद्र का DIG जे रविंद्र गौड़ ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं से संबंधित मामलों का परिवार परामर्श केंद्र पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर काउंसलिंग करके किया जाएगा समाधान। IMA के तत्वावधान में पुलिस लाइन के सभागार में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। SP ट्रैफिक सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शिविर में पहुंचकर कराया निःशुल्क जाँच। और चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर किए मां के दर्शन। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।